हाय स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर टू है सॉल्यूशन, और इसका आज हमारा लेक्चर नंबर सिक्स है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देख लिया था, और इस बार हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास गैस होगा वो सॉल्वेंट सॉल्यूट होगा, और लिक्विड क्या होगा हमारा सॉल्वेंट। तो इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट फैक्टर है आपका नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। जो हम गैस लेंगे और जो हम लिक्विड लेंगे वो दोनों कैसे अफेक्ट करेंगे एक दूसरे को सॉल्युबिलिटी के अंदर। सॉल्युबिलिटी पता है सबको क्या होती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि मान लो हमने जो गैस ली है वो अगर हमारे पास पोलर है, पोलर गैस है प्लस पोलर ही हमारे पास लिक्विड है, पोलर ही हमारे पास क्या है गैस है और पोलर ही हमारे पास लिक्विड है, तो इन दोनों की जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी वो आपका ज़्यादा होगी, मतलब अच्छे से ये एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर मतलब गैस भी आपका नॉन पोलर है और लिक्विड भी हमारा नॉन पोलर है, तब भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी ज़्यादा होगी। लाइक डिजॉल्व, तो यहाँ पे ये दोनों लाइक है, पोलर नॉन पोलर। इसका एग्जांपल देना चाहो तो यहाँ पे भी कोई पोलर गैस ले लो, पोलर गैस मतलब जैसे कि HCl ले लिया हमने, और यहाँ पे पोलर लिक्विड मतलब H2O ले लिया, तो HCl वाटर में आसानी से क्या हो जाएगी सोल्यूबल है। ऐसे नॉन पोलर में ले लिया, जैसे नॉन पोलर के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ भी, तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर क्यों होता है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो आपका कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। इसी तरीके से नॉन पोलर लिक्विड, जैसे कि हमने बताया था आपको बेंजीन आपका नॉन पोलर लिक्विड होता है, तो हाइड्रोजन को बेंजीन में मिला दो या ऑक्सीजन को बेंजीन में मिला दो, तो यहाँ से जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या होगी ज़्यादा होगी। अगर हम अनलाइक ले लें, अगर यहाँ पर मान लो किसी को पोलर कर दिया, मैंने एक को पोलर कर दिया यहाँ पे और इसको नॉन पोलर कर देता हूँ लिक्विड को, नॉन पोलर, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी आपका नेग्लिजिबल होगी, होगी पर बहुत कम होगी, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल यहाँ से, जैसे कि पोलर का एग्जांपल HCl हो गया, नॉन पोलर का एग्जांपल आपका बेंजीन हो गया, ठीक है। तो HCl को बेंजीन में जब हम मिक्स करते हैं तो ये आसानी से इसके अंदर सॉल्युबिलिट नहीं है, या होती भी तो बहुत कम क्वांटिटी में होती है। ऐसे ही अगर मैं इसको नॉन पोलर कर दूं और यहाँ पे हमारे पास पोलर हो जाए, तब भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बहुत कम होगी, मिनिमम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपका गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, तो इस तरीके से हमारा गैस और लिक्विड का नेचर डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। राइट कर लो इसको। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर, तो आप देखो कि यहाँ हमारे पास ये कोई लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ हम इसके अंदर कोई गैस को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो गैस आपका पहले ही दूर भागती है लिक्विड से। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे जैसे ही आप टेम्परेचर इसका इंक्रीज करोगे तो ये गैस और दूर भागने लग जाएगी, मतलब ज़्यादा स्पीड इसके पास, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ जाएगी, जिस वजह से ये इससे और दूर भागेगी। अगर आप इसको ठंडा करोगे तो ये गैस क्या होगी, मॉलिक्यूल्स पास पास में आएंगे और इसके अंदर क्या हो जाएगा डिजॉल्व हो जाएगा, तो मतलब हम बोल सकते हैं इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, मतलब
टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका अपोजिट, अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज के लिए मैं साइन यूज कर रहा हूँ, देन हमारे पास सोल्युबिलिटी क्या होगी, सोल्युबिलिटी को एस से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया सोल्युबिलिटी पे गैस और लिक्विड के फॉर्म में। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है, देखो जैसे कि हमारे पास ये गैस है और एक लिक्विड है हमारे पास, इस गैस को आपको इसके अंदर क्या करना है, सोल्यूबल करना है, मिलाना है। तो क्या करोगे, अगर मान लो इसके ऊपर आपने प्रेशर अप्लाई किया तो गैस इसके अंदर आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा गैस क्या होगी, सोल्यूबल होगी, और आप प्रेशर कम कर दो गैस के ऊपर से गैस फुर से उड़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इफ़ वी इंक्रीज प्रेशर then solubility, if we increase pressure then solubility increase, pressure बढ़ाओगे तो solubility क्या होगी, increase होगी, और इसका opposite आपका भी सही होगा, जैसे कि आपने decrease किया, चलो इसमें रेड दो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, pressure increase करो, सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है हेनरी ने, तो यहाँ पे प्रेशर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हेनरी का लॉ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पॉइंट डाल सकते हैं, इट्स एक्सप्लेन बाय हेनरी, हेनरी ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है गैस और लिक्विड के ऊपर सोल्युबिलिटी के अंदर। तो यहाँ तक राइट कर लो, फिर हेनरी का लॉ देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास हेनरी लॉ क्या बोलता है, कैसे प्रेशर को आपका डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू हेनरी पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे ये टर्म है आपका पार्शियल प्रेशर, जो कि आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस, किसी गैस के द्वारा पार्शियल प्रेशर अप्लाइड करना, किसके ऊपर, ऑन द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड। यानी कि हेनरी लॉ क्या बोलता है आपको, किसी भी लिक्विड के अंदर अगर उसकी सरफेस के ऊपर कोई गैस पार्शियल प्रेशर लगा रही है, तो वो जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं पार्शियल प्रेशर को अगर पी से डिनोट करूँ, और हमने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, मोल फ्रैक्शन एक्स, पार्शियल प्रेशर पी। तो यहाँ से देखो, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाई एनी गैस, किसी गैस के द्वारा पार्शियल प्रेशर पी ऑन लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर पार्शियल प्रेशर इज, यानी कि आपका प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये सिंबल आ गया, तो पी प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, एक्स। तो हेनरी का लॉ क्या है, पी प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब आपको पता है प्रोपोर्शनल जब हम हटाते हैं तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आपका आता है, तो यहाँ पे हेनरी का कॉन्स्टेंट था के एच, तो यहाँ से हो गया P इक्वल टू के एच एक्स। अब यहाँ पे कौन क्या है, X है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है, ये होता है आपका X। के एच है हेनरी कॉन्स्टेंट, और P है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो ये आपका हेनरी का लोता। अब यहाँ पे हेनरी ने X को ही क्यों आपका चुना है, क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स जो थे, कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास मोलेरिटी भी था, मोलेलिटी भी था, ठीक है, वी वाई वी भी था, है ना, और मोल फ्रैक्शन भी था, खूब सारे कंसंट्रेशन टर्म थे आपके, पी 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 एम भी था,
तो यहाँ पे इसको ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि एक तो ये सबसे सिंपल है, पहला रीजन तो ये इतना सिंपल है कि बस मोल पता है तो आसानी से। दूसरा, इसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये आपका टेम्परेचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहीं यहाँ पे कहीं पे भी आपका वॉल्यूम नहीं है, तो इसलिए हेनरी ने इसको सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे एक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ से किसी किसी बुक्स में आपका पी की जगह पे एम भी दे रखा है, तो एम आपका क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो गैस का जो मास है, मास क्या हो जाएगा, मास का जितना ही प्रेशर होगा उनकी गैस का जितना मास होगा। तो यहाँ पे इससे हमें समझना है पी से। अब हम बात करते हैं कि पी और एक्स, यानी कि पार्शियल प्रेशर और एक्स के अंदर क्या ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे मैं साइड में ग्राफ बना देता हूँ, हेनरी ग्राफ बोलते हैं जिसे, हेनरी ग्राफ, हेनरी का क्या ग्राफ है। तो यहाँ पे ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स लेना पड़ेगा और एक वाई लेना पड़ेगा, और ये हो गया इसका ओरिजिन। एक्स पे और वाई पे हमें क्या करना है, एक जगह तो हमें पार्शियल प्रेशर रखना है और एक जगह हमें क्या रखना है, मोल फ्रैक्शन। तो चलो मैं वाई एक्स एक्स पे पार्शियल प्रेशर रख देता हूँ और एक्स 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 पे मोल फ्रैक्शन रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर मैंने एक को इंक्रीज किया तो दूसरा भी क्या होगा, इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज किया, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, या मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और इस ग्राफ के ऊपर यहाँ पे इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, के एच। तो इसका स्लोप जो होता है वो क्या होगा, के एच। तो ये ग्राफ है आपका हेनरी लॉ का। अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं समझ में आता है तो यहाँ आप देखो, हमारे पास लाइन की जो सिंपल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स है ओनली, और अगर c की वैल्यू जीरो हो जाती है, ये दो ग्राफ आप दिमाग में रखो, बाकी ग्राफ बनाना आप फिजिक्स में अच्छे से सीखोगे, बट ये दो ग्राफ देखो, जहाँ पे c नहीं होगा तो वो हमेशा लाइन, जो भी लाइन होगी वो कहाँ से निकलेगी, ओरिजिन से निकलेगी। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है तो ओरिजिन से निकलेगी, ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ओरिजिन से नहीं निकलेगी। तो अगर मैं एक्स और वाई की जगह ज़ीरो रखता हूँ तो यहाँ पे दोनों साइड में ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाली लाइन का ग्राफ कहाँ से निकलेगा, ओरिजिन से। यहाँ पे देखो, वाई और एक्स की जगह आप ज़ीरो ज़ीरो रखो, अगर सी की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, उसके अलावा कुछ और है, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ओरिजिन के अलावा आपका कहीं और से निकलेगा। तो अब दिमाग में रखो कि जो भी इक्वेशन इस फॉर्म का है, वाई इक्वल टू एम एक्स, वो तो निकलेगा ओरिजिन से, और जो इक्वेशन इस फॉर्म का है वो ओरिजिन के अलावा कहीं और से निकलेगा, और दोनों आपका लाइन है। एक्स और वाई में एक इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को, जो कि आपने 10th क्लास में ग्राफ बनाना सीखा था। एक्स और वाई में इक्वेशन से एक लाइन बनती थी, दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन बनती थी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन है पी इक्वल टू के एच एक्स, दोनों को कंपेयर करो, इस फॉर्म का ही, तो ये वाई हो गया पी पे, एम क्या है आपका, एम होता है आपका स्लोप, यानी कि लाइन जो है वो एक्स एक्स से कितने डिग्री का एंगल बना के निकल रही है, वो होता है स्लोप, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हो गई, के एच, मतलब स्लोप क्या है आपका, के एच है, और x की जगह पे क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन। तो ये इसका है आपका, तो मतलब ये लाइन कहाँ से निकलेगी, ओरिजिन से निकलेगी, क्लियर है सबको। तो इस तरीके से आपको ग्राफ देखना है। तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया, राइट कर लो इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय एनी वेपर और गैस, किसी भी वेपर और गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस के ऊपर, विच इज वोलेटाइल, और लिक्विड कैसा होना चाहिए आपका, वोलेटाइल लिक्विड होना चाहिए इन नेचर के अंदर, और कंडीशन भी आपका इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। तो ऐसा जहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाइड होगा
सरफेस के ऊपर, और लिक्विड कैसा होगा, वोलेटाइल नेचर में, और हमारे पास कंडीशन क्या हो, इक्विलिब्रियम, तो उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अभी देखो मैं इसको समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वोलेटाइल लिक्विड की। तो वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है पहले इसको समझते हैं। वोलेटाइल लिक्विड आपका होता है ऐसा लिक्विड जो रूम टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर के नीचे भी आपका क्या हो जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि उड़ जाता हो। तो ऐसे कौन कौन से हैं, तो आप देखोगे कि पेट्रोल है, पेट्रोल को आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो, धीरे धीरे वो क्या करने लग जाएगा, वेपर या इवेपरेट होने लग जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा। तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये आपके क्या है, वोलेटाइल लिक्विड्स है। इसके अलावा हमारे पास एल्कोहल हो गया। एल्कोहल भी क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, मतलब आप इसको रूम टेम्परेचर पर आप छोड़ दो इसको, तो ये अपने आप उड़ जाएगा। तो वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, क्लोज कंटेनर में रखते हैं, जिससे कि ये क्या नहीं हो, इवेपरेट या वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। तो हमारे पास सपोज वोलेटाइल लिक्विड है, तो हम इसको किस में रखेंगे, किसी क्लोज कंटेनर में रखेंगे। तो ये मान लो हमारे पास कोई क्लोज कंटेनर है जिसके अंदर हम वोलेटाइल लिक्विड को है, जैसे कि इसमें वोलेटाइल लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड है और ये कंटेनर को हमने क्लोज कर दिया। अब सबसे ऊपर वाला लिक्विड का सरफेस लेते हैं, मान लो कि ये लिक्विड है और इसका लास्ट ये ऊपर वाला सरफेस है, और यहाँ से हमारा कुछ भी नहीं है कंटेनर के अंदर। तो लिक्विड का मैं ऊपर वाला पार्ट बना देता हूँ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। तो इसके मॉलिक्यूल्स आपका सरफेस पे, मान लेते हैं कि ये सरफेस पे आपका मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये लिक्विड के हमारे मॉलिक्यूल्स है। अब क्या हुआ, ये वोलेटाइल है नेचर के अंदर, तो रूम टेम्परेचर के अंदर इसके अंदर से कुछ क्या होंगे, वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाएंगे और इसे टकराएंगे, कंटेनर के पास टकराएंगे। तो मान लेता हूँ कि जैसे इसके अंदर से कुछ एक वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, जैसे कि ये हो गया, ऐसे वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये लिक्विड पास पास में और गैस होगा तो थोड़ा दूर दूर रहेगा। अब ये क्या करेंगे, वापस से इसके ऊपर कंटेनर के पास जाके वापस आके हिट करेंगे किसको, लिक्विड सरफेस को। तो मान लेते हैं कि ये इसको लिक्विड सरफेस को हिट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो क्या है हमारे पास, वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड, और ये हमारे पास क्या है, वेपर या गैस, गैस या वेपर एक ही होता है। तो ये गैस और वेपर, इस लिक्विड के गैस और वेपर इस लिक्विड सरफेस पे कितना प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, वेपर प्रेशर। तो अब इस डेफिनेशन को एक बार ध्यान से देखो, पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर प्रेशर लगा रहा है, ये भी प्रेशर लगा रहा है, ये भी प्रेशर लगा रहा है, ये भी प्रेशर लगा रहा है। अगर इन सब के प्रेशर को ऐड कर दूंगा तो ये पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय एनी वेपर, इस वेपर से या इस वेपर से और गैस, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, विच इज़ वोलेटाइल, और ये लिक्विड कैसा है, वोलेटाइल इन नेचर, ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, देखो हर कंडीशन पे नहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर। जैसे कि इस कंटेनर के अंदर क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जितने वेपर्स आपका, जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल वेपर की फॉर्म में गया, फिर से यहाँ पे गया, टकराया और इस पे प्रेशर लगाया, इसमें चला गया, फिर से यहाँ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो जाते आते जाते आते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जितने फिक्स हो जाएंगे कि हाँ इतने ही आपका प्रेशर लगाएंगे। तो अगर मान लो कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसी समय कोई लिक्विड गैस में चला जाएगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन पे आपका ये प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। अब बात करते हैं इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, क्लियर हो गया। अब इसको अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग वेपर प्रेशर,
अब वेपर प्रेशर को मैं जब भी लिखूंगा वीपी से लिखूंगा, राइट कर लो इसको। देखो इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, तो जैसे हमारे पास वेपर प्रेशर क्या है, अभी हमने देखा था किसी कंटेनर के अंदर अगर आपका वॉलेटाइल लिक्विड भरा हुआ हो तो उसकी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इसकी गैस के मॉलिक्यूल्स हिट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब मान लो कि आपने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो लिक्विड है वो आपका जल्दी जल्दी और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे मतलब ज़्यादा सरफेस को हिट करेंगे, ज़्यादा सरफेस के ऊपर प्रेशर आएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इसका अपोजिट अगर टेम्परेचर को हमने कम किया एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब इसका अपोजिट, अगर टेम्परेचर हमने कम किया तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर यहाँ पे कम कर दिया मान लो, तो फ्रीज में रख दिया, ठीक है, तो अब वेपर्स बनना कम हो जाएंगे या बिल्कुल ही नहीं बनेंगे, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सेकेंड आपका नेचर ऑफ लिक्विड, हम जो लिक्विड ले रहे हैं उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर, कैसे करेगा, IMFA का मतलब होता है आपका इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वो फोर्स वीक हुआ, अगर फोर्स वीक हुआ तो मतलब उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, और जो आसानी से ब्रेक हो जाएगा उसके वेपर्स भी आसानी से बनेंगे। तो हम बोल सकते हैं अगर IMFA इज वीक देन वेपर प्रेशर हाई, और इसका वाइस वर्सा इसका अपोजिट, अगर इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, मतलब उसको तोड़ना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। अब बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आप जानते हो, ठीक है, अगर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस होगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, हाई, मतलब कम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगा, वेपर्स बनने लग जाएंगे। तो ज़्यादा वेपर्स ज़्यादा वेपर प्रेशर, और इसका अपोजिट अगर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा मोर, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसके प्योर फॉर्म में और उसके सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी लिक्विड, कैसा लिक्विड हो, वोलेटाइल लिक्विड, कोई भी वोलेटाइल लिक्विड अगर प्योर फॉर्म में है तो वहाँ पे वेपर प्रेशर हाई होगा उसके सॉल्यूशन से। अब सॉल्यूशन पता है कैसे बनाते हैं, कम से कम दो कंपोनेंट आपस में मिलते हैं तभी सॉल्यूशन बनता है। तो मतलब उस वोलेटाइल लिक्विड के अंदर कुछ और मिला देंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो वहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा उसकी प्योर फॉर्म से, क्यों होगा अब दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारे पास मान लो ये कोई ए नाम का वोलेटाइल लिक्विड है, मतलब इसके अंदर प्योर फॉर्म में भरा हुआ है ये लिक्विड, तो इसकी सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके रहेंगे, ए के ही रहेंगे। इसको मैं थोड़ा साइड में बना देता हूँ डायग्राम को, यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे कि हमारे पास ए नाम का वोलेटाइल लिक्विड है तो सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल ही रहेंगे और जो वेपर्स बनेंगे वो इसी के होंगे, ठीक है, और ये इसको हिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कैसे, जैसे मान लो कि मैं एक सॉल्यूशन लूँ, सॉल्यूशन में क्या होता है, एक तो इस ए के वोलेटाइल लिक्विड होगा और साथ में कुछ और मान लो, तभी तो हम सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब अगर सरफेस के ऊपर अगर बात करें तो एक मॉलिक्यूल आपको हो सकता है आपके लिक्विड का मिल जाए, वोलेटाइल लिक्विड का, या फिर एक कोई दूसरे का मिल जाए, एक इसी का मिल जाए दूसरे का मिल जाए, मतलब ऐसे मिलेगा आपको,
प्योर फॉर्म में आपका सरफेस पे लिक्विड नहीं होगा। तो जब इसके वेपर्स बनेंगे, तो ए के जो वेपर्स बनेंगे या बी के जो वेपर्स बनेंगे वो आपका जब इस पर हिट करेंगे तो यहाँ पे आपका कम बनेंगे वेपर्स। किसके कम बनेंगे? ए के कम बनेंगे। जैसे यहाँ पे दो बन रहे थे तो यहाँ पे एक ही बनेगा आपका। तो यहाँ पे इस ए का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इट्स सॉल्यूशन। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे ही अगर ए के मॉलिक्यूल कम है तो अब आपका वेपर्स ए के कम बनेंगे, और यहाँ पे सभी के सभी किसके थे? ए के थे, तो वेपर्स ज़्यादा बन रहे थे। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, द प्योर लिक्विड हैज़ ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर एज़ कम्पेयर इट्स सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन के मुकाबले अगर आपका प्योर आपका वोलेटाइल लिक्विड है तो वहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्लियर है सबको? तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ वेपर प्रेशर तक। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट रॉल्स लॉ की, वहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है और उसका ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।